तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजी टेक। आज की वीडियो में आपके लेके आया हूँ अपने लैपटॉप का 10 मंथ यूज़ करने का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आप मेरे लैपटॉप से जुड़ी सारी अच्छी और बुरी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। बाकी एंड में भी मैं कुछ वीडियोस का लिंक डाल देता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सामने मेरा लैपटॉप एसर के, ये इंडिगो ब्लू कलर में आता है। बीच में हमें एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। लेफ्ट साइड में हमें चार्जिंग की पिन, 2 USB पोर्ट, 1 हेडफोन के लिए जैक मिल जाता है। और इसके राइट साइड में हमें बस एक USB की पोर्ट मिलती है, बाकी कुछ नहीं, प्लेन मिलता है। अब हम इसकी बैक साइड पर देख लेते हैं, जहाँ इसका फ़ैन, और इसमें काफ़ी जगह मिली है वेंटिलेशन के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये फ़ैन के ऊपर की स्पेस है जहाँ से सारी हीट निकलेगी। नीचे की साइड में मिल जाते हैं तो 2 1.5 वॉट के स्पीकर। इनके ऊपर मिल जाती है रबर की ग्रिप, जिनसे आपका लैपटॉप एक जगह पर काफ़ी स्टेडी रहे। और इसके बाद यहाँ एसर के बारे में कुछ लिखा है, ब्रांडिंग, मॉडल नेम वगैरह, और बाकी कहाँ ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसकी जो ब्रांडिंग है फ्रंट में, ये थोड़ी मेटल फिनिश में है, बाकी पूरी बॉडी प्लास्टिक फिनिश में आती है। मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, बाकी प्राइस वाइज काफ़ी अच्छी है। बाकी अब इसको हम खोल लेते हैं। डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। बाकी इसमें हमें प्लास्टिक कहीं कहीं जगह से थोड़ा ऐसा लगता है दब रहा है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। और बाकी जो मेरे को इसमें थोड़ी डर वाली बात लगी, वो है इसके हिंज। जब इसके हिंज काफ़ी छोटी स्पेस में है, तो जब आप लैपटॉप को थोड़ी फोर्स से नीचे रखते हैं तो आपकी स्क्रीन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। बाकी इससे दिक्कत ऐसे सच कोई नहीं आती, बाकी आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता यूज़ करने में। बाकी बात कर लेते हैं अब इसके कीपैड के बारे में। कीपैड इसमें फुल मिलता है। ये नंबर वाले कीज़ काफ़ी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलते हैं। इधर Ryzen 3 की ब्रांडिंग है, रेडियन के, वेगा के ग्राफिक्स की वो है स्टिकर, और साथ में हमें मिल जाती है एक टच पैड जिसमें आप जूम इन जूम आउट सारे फीचर यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वाला लोगों को देखने में काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लगता है जो प्लेन के साथ आता है। बाकी इसके एक डिसएडवांटेज भी है, जिनमें लाइन और दो वाले आते हैं क्लिक, उनमें आप सेम टाइम पे दोनों क्लिक कर सकते हैं, बट इसमें आप एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं। अगर आप एक शूटिंग का गेम खेल रहे हैं तो आप एम और शूट साथ में इस वाले माउस से नहीं कर पाएंगे, आपको एक एक्सटर्नल माउस चाहिए होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसकी कीज़ क्वालिटी भी काफ़ी फाइन है। इसमें डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है एक HD क्वालिटी का 720p वाला। इसमें FHD नहीं मिलता, बाकी हाँ कलर इसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। एंटरटेनमेंट के लिए आपको कोई भी दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। बाकी अगर आप इसे कंपेयर करेंगे Full HD से, तो आपको थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने इसकी वीडियो जो अनबॉक्सिंग के वो लगभग 10 मंथ पहले डाली थी, उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो लगभग लैपटॉप ओपन होता है। अब बाकी इसके डिस्प्ले के कलर तो काफ़ी सही कहूँगा मैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बाकी सही है एक नॉर्मल यूज़र के हिसाब से। आपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेना है, किसी और पर्पज़ से लेना है तो भी अच्छा है। बाकी आपको एक आधा वॉलपेपर चेंज करके दिखाया था और कलर इसमें कैसे लगते हैं। तो दूसरा वॉलपेपर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे हम कलर प्रोडक्शन कैसा है इसका। अगर बंद कर देते हैं तो ब्लू वॉलपेपर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलर क्लियर है सारे, मतलब कोई ऐसा डल पॉइंट नहीं है। इसमें एंटी क्लियर स्क्रीन मिल जाती है हमें, एंटी क्लियर, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी बैकअप स्टार्टिंग में मुझे इसका 5 to 6 आवर मिल रहा था, जब खाली मूवीज़ वगैरह देखनी होती थी, बट टाइम के साथ 10 मंथ के बाद अब इसका बैटरी बैकअप 3 to 4 आवर ही मिलता है। तो थोड़ा बुरा तो लगता है, कम हो गई क्योंकि बैटरी, बाकी प्राइस वाइज अब भी इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी में आती है। बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं बैटरी सेविंग के लिए, ब्राइटनेस घटा सकते हैं आप, बैटरी पावर मोड जल्दी ऑन कर सकते हैं हाई परसेंटेज पे। और बाकी सेविंग टिप्स के लिए आप गूगल पे इनका लिंक मिला होता है, वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं जो सेविंग टिप्स हैं, उनसे आप कैसे अपने लैपटॉप की बैटरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ और फीचर के बारे में। एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं, बस आपको जाना है नीचे अपने लैपटॉप के गूगल क्रोम या फ़ोन में यूट्यूब पर क्लिक करके आप पहुँच गए यूट्यूब पर।
अब यहाँ आपको दिखेगा NGTech चैनल, इसको कर ले प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री और इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और एक साथ ही बेल आइकन भी दबा दें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और चैनल पे आप जाइए और जो सी वीडियो आपको अच्छी लगे आपको देखिए, और कमेंट में मेरे से जो चीज़ पूछनी है वो पूछें। अभी हाँ, मैंने परफॉर्मेंस बार खोल दिया इसका, क्योंकि मैं एक बार GTA 5 आपको प्ले करके दिखाऊंगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा 4GB रैम वाले में GTA 5 कितना GPU यूज़ करता है। इसमें हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, वैसे तो आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते शायद। बाकी अगर मेमोरी एक बार चेक करता हूँ मैं सेटिंग में जाके, तो वो 0.5 GB मिलती है। तो मैंने GTA 5 स्टार्ट कर दिया, इसको नॉर्मल स्टार्ट होने में 1.5 to 2 मिनट्स लग जाते हैं। मैंने हल्का सा इसे फास्ट फॉरवर्ड भी इसलिए रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। आप इसकी परफॉर्मेंस देखते रहिए, ये गेम शुरू होते होते धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और इतना आप नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना। तो आप देख सकते हैं अभी गेम शुरू होने से पहले इसकी 40 something थी, और अभी मतलब कुछ सेकेंड ही हुआ गेम को स्टार्ट करे, अभी मतलब गेम शुरू भी नहीं हुआ तब इसकी 68% हो गई। ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जाएगी। GTA 5 वन ऑफ द हैवीस्ट गेम है। अगर आप इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो एक मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी जब लैपटॉप लिया था। बाकी एक वीडियो मैं अभी इस पर और अपलोड करूँगा जिसमें मैं अपनी सारी सेटिंग शो करूँगा, किस सेटिंग पे मैंने गेम चला रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। कुछ टाइम में वो वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। अभी आप देख सकते हैं इसकी एकदम परसेंटेज बढ़ती जा रही है, 77 हो चुकी अब तक। बाकी आई बटन पे आप चेक करके और वीडियोस देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी आपको टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लो हमारा गेम लगभग स्टार्ट होने वाला है, तभी इसकी GPU की यूजेज की परसेंटेज 98-99 दिखा रही है। एक्चुअली इस टाइम इसके 0.5 GB से भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 GB कंज्यूम करता है। ये मैंने अपने गेम की सेटिंग वाली वीडियो में दिखाया है। तो गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक गेमिंग का गेम प्ले नहीं है। बाकी ये तो एक आपको परफॉर्मेंस दिखाई थी, 98 98 अब कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो बस एक बार आपको चला के दिखा दूँ चलता कैसा है गेम, उसके बाद मैं गेम कर दूँगा बंद। तो बस गेम को कर देते हैं बंद, ये हमारा काम लगभग हो चुका है। अब इसकी ओवरऑल बात करूँ, अगर ये आपको आज भी 21-22 का मिल जाए तो बहुत अच्छा लैपटॉप है। ये मेरे को ये मिल गया था 18,000 के आसपास बिग बिलियन डे सेल में पिछले ईयर। बाकी इसके बाद से इसका स्टॉक ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है या नहीं मिलता, तो आप चाहें तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये 23-24 में मिले तो ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है आपके लिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए हो, या थोड़ी बहुत छोटी मोटी गेमिंग के लिए चाहिए हो, आपको इस लैपटॉप में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको अच्छे बजट में मिलते तो ज़रूर लें। बाकी इसकी एक जो चीज़ मेरे को और बेकार लगी है, सिर्फ एक ही कलर में आता है, इंडिगो ब्लू। अगर ब्लैक कलर में आता तो और अच्छा लगता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक्स्ट रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक, या आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस, बस अपना सपोर्ट दिखाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके।